सोलन में रोटरी क्लब द्वारा बाईपास चौक के समीप पिकअप यूनियन में तारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर वाहन चालकों व युवाओं को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पिकअप वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। रोटरी अध्यक्ष निर्मल भान के नेतृत्व में चले तारा अभियान में वाहन चालकों को नशे से दूर रहने व सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी गई। वाहन चालकों ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ भी ग्रहण की। रोटरी अध्यक्ष निर्मल भान ने कहा कि यदि चालक सावधानी और सतर्कता बरते तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। नियमों के प्रति खुद भी जागरूक रहें और दूसरों तक जागरूकता फैलाएं। थोड़ी सी सतर्कता से खुद और दूसरों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित रहना और रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं प्रोजेक्ट चेयरमैन अनिल चौहान ने बताया कि रोटरी क्लब ने लगभग 50 छोटे बड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि आज जिन लोगों ने हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं पहनी थी उन्हें भारत का झंडा देते हुए बताया गया कि युवा इस देश की आन बान शान है। उन्होंने बताया कि संस्था का मकसद युवाओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना है। ट्रैफिक अवेयरनेस के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें हम पिकअप वैन्स में एक तो रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं और जो पब्लिक है जो बिना हेलमेट्स के बिना बेल्ट्स के ड्राइव कर रहे हैं उनको भी अवेयर करा रहे हैं कि भाई आपकी जान देश की के लिए बहुत कीमती है तो कृपया आप नियमों का पालन करें। रोटरी क्लब सोलन ने आज ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोगों को बताया कि आप हेलमेट पहने और सड़क सुरक्षा समिति के साथ मिलकर सारे मेंबरों ने सीट बेल्ट के प्रति लोगों को जागरूक किया और लोगों को युवाओं को आह्वान किया कि वो सीट बेल्ट पहने क्योंकि आप इस देश का भविष्य हैं, आप देश के आन बान शान हैं।